जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान का कहर जारी है और अब गुरेज में आए हिमस्खलन की चपेट में आने से शहीद होने वाले जवानों का आंकड़ा 15 हो गया है। गुरुवार को 4 और शवों को बरामद किया गया है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। शहीद होने वालों में एक मेजर और 14 जवान शामिल हैं, जबकि बांदीपोरा में भी बर्फ में दबने से 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। आपको बता दें कि घाटी में बेहद खराब मौसम और बर्फबारी से हालात बेहद खराब हैं। जगह जगह बर्फीले तूफान या हिमस्खलन का सिलसिला जारी है। बुधवार सीमा के पास गुरेज सेक्टर में हुए हिमस्खलन में सेना का कैंप दब गया था, जिसमें से 7 जवानों के शव पहले ही निकाल लिए गए थे। इस घटना में एक JCO सहित 6 जवानों को बचा लिया गया है। और इसी इलाके में कल हुए हिमस्खलन की एक और घटना में सेना का एक निगरानी वाहन लापता हो गया था। इस घटना में भी अब तक 3 जवानों के शव हासिल किए गए हैं। एक दिन पहले ही गांदरबल जिले के सोनमर्ग इलाके में स्थित सेना के एक शिविर में हिमस्खलन से एक मेजर की मौत हो गई थी। दूसरी तरफ कुपवाड़ा जिले में स्थित तुलेल में बर्फीला तूफान आने से 4 लोगों की बर्फ के नीचे दबने से मौत हो गई थी। मंगलवार शाम को ऐसे बर्फीले तूफान आने की चेतावनी पहले ही जारी की जा चुकी थी। बर्फीले तूफान से प्रभावित पूरे इलाके में बचाव और राहत कार्य किया जा रहा है। बुधवार से अब तक कश्मीर में हिमस्खलन की 3 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं प्रशासन ने लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी है। तो जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और अब यह तूफान लगातार जानलेवा बनता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक ये स्थिति अब ऐसे ही रहने वाली है। देखते रहिए DB Live।